नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। एंड इन सेकेंड सेमेस्टर वी आर स्टडिंग फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी, एंड इन फंक्शन आवर टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। एंड इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड 8 टाइप ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, एंड टुडे नेक्स्ट दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट वी विल स्टडी। ओके, so let's start with the topic function fx equals to e to the power x. If y is equals to e to the power x, then such type of function is not an exponential function. So y is equals to e to the power x or y is equals to a to the power x. So e to the power x and a to the power x both are exponential function. Clear? Yes. Domain and range. So domain is the set of real number, that is capital R, and range is the set of positive real number R plus. So exponential function, that is a to the power x or e to the power x, means domain, that is our independent variable, is in the power. Clear? Means कि अगर आपका fx equals to e to the power x है तो ये आपका कैसा function है? Exponential function है। ठीक है, इसका डोमेन क्या होता है? तो इसका डोमेन रियल नंबर होता है। उसका रेंज क्या होता है? तो इसका रेंज आर प्लस यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ आपका ऐसा होता है। आप बोलोगे यही ग्राफ क्यों होता है? आप देखो रेंज जो है वो सिर्फ आर प्लस है, मतलब कि रेंज मतलब वाई का वैल्यू और डोमेन मतलब कि एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आपका नेगेटिव हो सकता है। देखो आपके एक्स का ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, तो एक्स के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है, लेकिन वाई का ऊपर पॉजिटिव पार्ट और नीचे नेगेटिव पार्ट, तो वाई का सिर्फ ऊपर में है, तो दोनों कंडीशन को एग्जिस्ट किया ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग देख सकते हैं। अगर हम एक्स का वैल्यू लेते हैं 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e का पावर 1 e टू द पावर x। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका e। वही अगर हम लेते हैं x का वैल्यू -1, तो y इज इक्वल टू e का पावर -1, और e का पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा? 1/e। क्लियर? तो आप 1/e का जो भी वैल्यू होगा उसको आप डिवाइड करोगे 1 से, तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही तो देगा। वैसे e का वैल्यू आपका क्या होता है? तो आपका e का वैल्यू होता है 2.718 होता है, तो हम लोग उसको शॉर्ट में 2.72 ही ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके जगह पे आप 2.72 लिखोगे, और इसके जगह पे 1/e मतलब 1/2.72 करोगे, तो डिवाइड करोगे तो 0.36 समथिंग आएगा, तो ये आपका पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इसका ग्राफ भी आप बना सकते हो। चलिए देखते हैं इसका ग्राफ हम। हाँ जी, देखिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन ले रखा है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, ये आपका टेबल है। ठीक है, जब जीरो है, जब यहाँ पर हम लोग जीरो पुट करेंगे तो किसी का पावर जीरो मतलब वन होता है, तो वाई इक्वल टू वन हो जाएगा। जब एक्स का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर -1 यानी कि -1, तो मतलब 1/e मतलब 1/2.72, और 1/2.72 का मतलब होता है 0.37 समथिंग होता है। अगर आप यहाँ पर 1 पुट करोगे मतलब e का पावर मतलब e का वैल्यू क्या होता है? मैंने देखो यहाँ पर लिख रखा है e का वैल्यू इतना होता है, इसको नोट शॉर्ट में इतना बोल सकते हैं। क्लियर? आप इन तीनों को ये करो, ग्राफ बनाओ, फिर सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो देखोगे आपका जितना मैंने अभी बताया आपको उतना ही आएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, जब x का वैल्यू -1 तो y 0.3 समथिंग था, तो ये हो गया। जब x का वैल्यू था आपका 0 तो y 1, और जब x का वैल्यू 1 था तो y 2.72, इन दोनों के बीच में 2.72 समथिंग, बीच से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, सबको मैंने मर्ज कर दिया, मर्ज नहीं ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका ग्राफ हो गया। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर? सो व्हाट इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन? तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है कि जब कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स होगा तो ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। और इसमें क्या होता है ना कि अच्छा, एक चीज आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, मतलब कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। तो अभी एक्सपोनेंशियल का डोमेन क्या था? रियल नंबर। और एक्सपोनेंशियल का रेंज क्या था? तो पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा ना, अगर इन्वर्स है तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा? तो रियल नंबर। ठीक है, सो आपका एफ एक्स इक्वल टू दिस यानी कि वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई। हाँ जी, बेस ई मैंने क्यों बोला? ये नेचुरल लॉग, हम लोग मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ते हैं वो नेचुरल लॉग होता है। अगर यही हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में, मोस्टली आपका कॉमन लॉग हम लोग लेते हैं, बट
इन मैथमेटिक्स हम लोग नेचुरल लॉग ही लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा इसको आप देखो, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ही, तो इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए, तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज क्या होता है, तो होल रियल नंबर। क्लियर, वही लिखा हुआ यहाँ पर कि इट इज़ द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है, इसका डोमेन होता है पॉजिटिव रियल नंबर और रेंज होता है आर, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा होता है। ऐसा ग्राफ क्यों होता है, देखो आप अभी इसको तो सा ध्यान दीजिए, डोमेन आर प्लस होगा और रेंज आर होगा, ठीक है। डोमेन आर प्लस है, हाँ जी, इसका मतलब कि डोमेन का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, आर प्लस, यानी कि एक्स हमेशा पॉजिटिव। तो आपको पता है ना, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, तो देखो ये एक्स का ओनली पॉजिटिव पार्ट में है, लेकिन वाई का ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब वाई का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। क्लियर, अच्छा इसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स लेते हैं, अगर हम लोग y इज इक्वल टू लॉग एक्स लेते हैं, तो ये x हमारा डोमेन है, ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर log x, तो इस x के जगह पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो x का वैल्यू जब 1 होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 1, log 1 का वैल्यू 0 होता है। जब x की जगह पर 2 होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2, log 2 का वैल्यू इतना होता है। जब x इक्वल टू 3 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 3, जिसका वैल्यू ये होता है। क्लियर, चलिए फिर इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये रहा इसका ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ देखिए, जब x का वैल्यू था 1 तो y 0 था, जब x का यहाँ पर मैंने 0 पॉइंट करके लिया रखा, ले रखा है, क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू उसी टाइप से जा रहा था ना इसीलिए, और यहाँ पर हमने 1, 2, 3 ले रखा है। तो अब देखो, जब x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू क्या था, 0.301, जब x का वैल्यू 3 था तो y आपका क्या था, y आपका 0.477 करके था, तो 0.4 और 0.5 के बीच में, बीच से कहीं ऊपर थोड़ा सा ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसका ग्राफ हमेशा देखो, आपका x का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है और y हमारा, जी हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। इसका मतलब एक चीज तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, अगर y इक्वल टू आप log x लिखते हो तो कभी भी आप इस जगह पे नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन हम किसे बोलते हैं, तो जब कोई फंक्शन, जैसे f एक फंक्शन है और एफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू क्या हो गया, मेरा एफ एक्स हो गया। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये p पे रिपीट कर रहा है, ठीक है, मतलब p डालने से, p एक ऐसा वैल्यू है जो कि हमारा क्या हो रहा है कि एफ एक्स प्लस कुछ भी हम लोग p अगर उसमें ऐड किए, डोमेन में हम लोगों ने p ऐड किया, तो इसका जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, मतलब एक्स एफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसमें पी आपका क्या होता है, तो पी आपका पीरियड होता है, ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, चलिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं ना, वो आपके पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए हम लोग चेक करते हैं। चलिए सपोज आप लिखते हो वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, वाई का मतलब ही आपको पता है एफ एक्स होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो आपको पता है ना, साइन आप कुछ भी करो, चलो 30 करो, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाँ जी 1/2 होता है। अगेन अगर आप करते हो साइन पाई प्लस 30, उसका वैल्यू क्या होता है, तो पाई प्लस 30 का वैल्यू आपका -1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप करते हो साइन 2π+30, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू अगेन 1/2 आता है। इसका मतलब आप इसे देखो, साइन 30 का भी वैल्यू 1/2 और साइन 2π+30 का ही वैल्यू 1/2, यानी कि 2π वो वैल्यू है जहां पर साइन मेरा रिपीट किया, ठीक है। तो 2π जो है वो साइन का पीरियड है, साइन पीरियोडिक फंक्शन है, वो वैल्यू रिपीट कर रहा है, और 2π हमारा क्या कहलाएगा, 2π साइन का पीरियड। सिमिलरली हम कॉस की बात करते हैं, चलिए हम कॉस 45 की बात करते हैं, कॉस 45 इक्वल टू 1/√2, कॉस पाई प्लस 45 करेंगे तो -1/√2। लेकिन अगर हम लोग करते हैं कॉस 2π+45, ठीक है, 2π+45, तो इसका भी वैल्यू आपका हो जाएगा 1/√2। आप लोगों को मैंने बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2π+θ में आपका पीरियोडिक होता है, क्लियर।
हमेशा वो पीरियोडिक होता है, मतलब कि 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो मतलब वो एक ही वैल्यू को रिपीट कर रहा है, जब वो एक ही वैल्यू को रिपीट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पीरियोडिक वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कॉस भी पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई है। एक नोट देने, एक ध्यान देने लायक बात है, ठीक है, एक चीज़ आप नोट कर लेना कि पीरियोडिक वैल्यू जो होता है वो हमेशा लीस्ट वैल्यू होता है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा प्रूफ करते हैं कि पीरियोडिक वैल्यू लीस्ट कैसे होता है। सपोज आपने लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे टेन 30 डिग्री, देखो 1/√3 होता है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, 10π+30 करते हैं, तो 10π+ या 10θ होता है, 10θ मतलब ये भी 1/√3 होगा। अगर हम करेंगे 10 2π+30 तो ये भी वैल्यू मेरा 1/√3 होगा, क्योंकि 10 कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2π+θ में वही थीटा होता है, वो फंक्शन इनटू थीटा होता है, तो फंक्शन थीटा होता है, इसका मतलब क्या, 10 है तो 10θ हो जाएगा, 10θ में 10θ तो 1/√3, ठीक है। सो मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 2π+θ में, वो 10 अगर है तो 10θ, साइन अगर है तो साइन थीटा, इसको कैरी करता है। तो इसका मतलब कि ये भी 1/√3 आ गया। तो आपने नोटिस किया पाई पे भी 1/√3 है, 2π पे भी 1/√3 है, इसका मतलब पीरियोडिक क्या, पीरियड क्या लेंगे हम लोग, पाई या 2π, तो हम लोग इस केस में इसका पीरियड लेंगे हम लोग पाई, क्योंकि वो हम लोग हमेशा पीरियोडिक में क्या देखते हैं, लीस्ट वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ लीस्ट वैल्यू पाई है या फिर 2π है, तो इट्स पाई, इसलिए, ठीक है। अगर आपका यही क्वेश्चन होता 10 4π+30 तो ऑब्वियसली इसका 10 4π में भी चेंज करें, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटू 2n π+θ का वैल्यू होता है, अगर 10 है तो 10θ, क्लियर, तो वो हमेशा रिपीट ही करता है 2n π में, और 4π का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2π हो जाएगा, तो 2n π का फॉर्मेट को वो रख रहा है ना, दिखा रहा है ना, तो इसलिए हमारा ये उतना ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 10 का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई या 2π, तो लीस्ट वैल्यू क्या है, पाई है या फिर 2π है, पाई है, तो 10 का पीरियड पाई होता है। मतलब आपको याद रखना है साइन और कॉस का पीरियड 2π होता है और 10 का पीरियड आपका पाई होता है, क्लियर। और आप पूछोगे सेक कॉसेक और कॉट का क्या होगा, तो सेक का वही होगा जो कॉस का होता है, कॉसेक का वही होगा जो साइन का होता है, 10 का जो है वही हमारा कॉट का होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन का बोलते हैं जब एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स, ये दोनों बराबर है, मतलब एक्स के एक्स पुट करने से हमारा फंक्शन का जो वैल्यू होगा, माइनस एक्स पुट करने से भी फंक्शन का हमारा वही वैल्यू होगा, अगर ऐसा है, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं, क्लियर। आप एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऐसे एफ एक्स इक्वल्स टू अगर आपका एक्स स्क्वायर है, तो एफ माइनस एक्स लोगे तो एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है ना, तो ये आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। और जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आप लेते एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है, तो आप एफ माइनस एक्स करते तो क्या हो जाता, कॉस माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, कॉस माइनस एक्स का वैल्यू कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये और ये दोनों सेम है ना, मतलब कॉस भी आपका इवन फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हम लोग किसे कहते हैं, तो जब एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, तब ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 था, अगर आप यहाँ पर करोगे, हाँ, सो एफ माइनस एक्स जब आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि जब एफ एक्स था तो एक्स टू दी पावर 5 था, तो जब एफ माइनस एक्स होगा तो माइनस एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस टू दी पावर 5 मीन्स माइनस और एक्स टू दी पावर 5, क्लियर। तो आपका एफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस एक्स टू दी पावर 5 आ गया। आप माइनस को इस साइड कर दो या फिर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर है। चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। सो आपका इसका भी वैल्यू एक्स टू दी पावर 5 और एक्स एफ एक्स का भी वैल्यू एक्स टू दी पावर 5, तो दोनों सेम है, मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद हम लोग फंक्शन का डोमेन रेंज सीखेंगे। चलिए वीडियो देखिए, समझिए, जहाँ डाउट होता है वहाँ पूछिए। थैंक यू।